तो स्वागत है दोस्तों आपका आज दिल्ली सराय रोहिला से हमारे साथियों हमारे परिवारों के साथ हम जा रहे हैं बांद्रा टर्मिनस यानी कि मुंबई, वो भी गरीब रथ गाड़ी से। जैसे कि आप नाम से जान चुके ही होंगे कि गरीब रथ है, मतलब हम जैसे गरीबों के लिए रथ बनाया गया है। और ये यहाँ से चलेगी आज 8:55 पे और सुबह अगले दिन 8:55 पे पहुँचेगी दिल्ली बांद्रा टर्मिनस। तो मुंबई में जाएंगे, सफ़र हमारा कैसा रहेगा वो हम देखते हैं। ट्रेन शायद चलने का टाइम हो गया है पर देखते हैं, अभी तो गाड़ी के पास ही खड़े हुए हैं और हमारा परिवार जन साथ सब जा रहे हैं। तो अभी अंदर का माहौल आपको अंदर दिखाएंगे, ठीक है? तब तक साथ में बने रहिए और मिलते हैं हम आप लोगों से आगे। दोबारा से स्वागत है दोस्तों, हमारी ट्रेन चल पड़ी है और सराय रोहिला से ऑन टाइम चली है। और इस ट्रेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी रिसर्च हमारे भाई कजन करके आए हैं, तो आइए जरा उन पर ध्यान देते हैं और वो क्या बताते हैं, इनसे सवाल पूछते हैं। तो इनका नाम है अनुराग और ये अभी आईटी की तैयारियां कर रहे हैं, आईटी में पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई आप बताइए कि ये गरीब रथ ट्रेन कैसे स्टार्ट हुआ, आपने क्या रिसर्च की इसके बारे में? हेलो एवरीवन, देखो इधर देखो इसकी हिस्ट्री, मतलब तो बताइए सर आपने क्या जानकारी ली गरीब रथ के बारे में? हमने कुछ जानकारी बताएं आप। हेलो एवरीवन, ये गरीब रथ ट्रेन है, सस्ते में एसी की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ओके, नॉर्मल ट्रेन में साइड लोअर साइड अपर होती है, जहाँ पर अभी आप बैठे हैं। अच्छा, इसमें साइड लोअर साइड मिडल और साइड अपर है। अच्छा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कहाँ है नंबर, ये नंबर है। तो ये तीन विशेषताएं हैं कि मतलब बैठने की विशेषता ये है कि आप जो साइड वाला है ना, साइड वाले में। तो जैसा कि भाई ने बताया कि एक तो ये ट्रेन थोड़ा सस्ते में आपको एसी का फील दे देती है और लंबे सफ़र के लिए आप इसमें सस्ते में ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि नॉर्मली जो दूसरी ट्रेनें होती हैं स्लीपर वगैरह, जैसे तीन आमने सामने की होती हैं, छः सीटें होती हैं आमने सामने की, और जो साइड वाली सीट होती है जहाँ पर हम बैठे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ दो लोगों के लिए होता है, सोने का भी और बैठने का भी। लेकिन इसमें क्या है कि सोने के लिए यहाँ पे आप तीन बंदों के लिए बर्थ है, जैसे कि ये ऊपर लगी हुई है जैसे आप देख पा रहे हो लॉक, तो ये तीन बर्थ जब हम खोलेंगे तो आपको खोलने के बाद दिखाएंगे। तो अभी हम हमारे संवाददाता अनुराग नए जो हैं उनका धन्यवाद देते हैं जानकारी देने के लिए, और जैसे जैसे नई जानकारी मिलेगी हम आपको नई जानकारी देते रहेंगे, ठीक है? और बाय। और अभी खा रहे हैं भैया मूंग दाल के पकौड़े रेवाड़ी स्टेशन। दोस्तों आ गए अभी हम जयपुर, ये जयपुर का सीजन आप पीछे देखिए, और ट्रेन हमारी अभी वही है हरे रंग की, हमने बंदी नहीं है, ठीक है? तो अभी चलेंगे यहाँ से जयपुर। कितने भाई साहब, कितने मिनट का स्टे है? 10 मिनट्स का स्टे है। 10 मिनट्स का स्टे है आपका? अच्छा ठीक है, आज पहली बार जवाब दिया, वैसे जवाब देते नहीं है ये, क्योंकि इनको मैसेज में थोड़ी सी सुनाई गई है तो उसका जवाब आ रहा है। तो अभी 10 मिनट का स्टे है और ये पीछे का और भी देख लो आप, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है और इसके बाद 15 मिनट बाद चलेगी। और अगला स्टेशन कौन सा होगा? माउंट आबू ना, आबू रोड करके कोई है, तो अगले आबू रोड पे फिर उतर के फिर मिलेंगे आप, ठीक है? तो एक मिस्टेक हो गई है, हमारे संवाददाता ने भी बताया कि अगला जो स्टेशन है वो माउंट आबू वाला नहीं है, अजमेर है। तो अगला स्टेशन अजमेर होगा और अजमेर में उतर के हम आपको अगला अपडेट देंगे। तो दरगाह तो बहुत दूर पड़ जाएगी पर कोशिश करेंगे जून से करने, ठीक है? और जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं ये आप लोगों को पता ही है और इनको शायद ना पता हो। भाई साहब क्यों कहते हैं पिंक सिटी जयपुर को? सॉरी सर, चलो ये बात क्यों है,
But why everything is pink? यही that's the question. तो आगे मिलेंगे आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें. Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Hey, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you do anything is everything you start. Stay consistent and do it every day. तो भाई अभी आए हैं आबू रोड, यहाँ से माउंट आबू आपको पास पड़ेगा, किसी ने मुझे बताया, लेकिन रात का टाइम हो गया, 7:30 बज गए हैं. और एक मुझे बात जो अच्छी लगी इस ट्रेन में कि इस ट्रेन में कोई पुलिस नहीं घूम रही है. यूजली जो एसी कोचेज होते हैं या फिर स्लीपर कोच होते हैं उनमें एक बार एसी पुलिस वाले घूमते हैं, लेकिन इसमें कोई पुलिस वाला मैंने अभी तक देखा नहीं है. सुबह के 9 बजे से हम के 7:30 हो गए और हमारे कोच में एक भी पुलिस वाला नहीं आया है. पता नहीं, ये मेरे को थोड़ा अजीब लगा. बाकी सब तो ठीक है, नॉर्मल एसी की तरह ही है, लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं है. और ट्रेन आ रही है वापस, मालगाड़ी है, आगे घूमते हैं. भाई सब ले लिए अपनी जगह, ये बैठ रहे हैं ऊपर. टाइम ढंग से नहीं आए और अभी हम हैं गुजरात में और गुजरात पार करेंगे रात को और आपसे मिलेंगे सुबह बांद्रा टर्मिनल. ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए. गुड नाइट. स्वागत है आपका मुंबई से. हम आ चुके हैं बोरीवली में और अगला जो स्टेशन है हमारा वो है बांद्रा का. और मतलब यहाँ थोड़ी गर्मी है, मुझे पुलोवर उतारना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आंखों से देखें तो बहुत सारे ही स्लीपी हैं. और बोरीवली आ गया है, अगला स्टेशन है बांद्रा. मिलते हैं बांद्रा में. हाँ जी दोस्तों, तो अब नहा धो के थोड़ा फ्रेश हो गए हैं और मैंने सोचा कि अब थोड़ी बात करी जा सकती है. तो हम मुंबई में लैंड कह रहा हूँ, मुंबई में हम लोग उतर गए थे और जिस ट्रेन से हम आए थे वो गरीब रथ, इसको आपने जाना. उसमें टिकट 1050 की थी दिल्ली सराय रोहिला से लेकर पूरा बांद्रा टर्मिनस. अच्छा, खाना पीना कुछ नहीं देते हैं, लेकिन बीच में IRCTC वाले चलते रहते हैं तो आप कुछ भी खरीद सकते हो. और अगर आप स्विगी जोमेटो इस्तेमाल करते हो तो जिन जिन स्टेशन पर अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हो. ठीक है, और ट्रेन काफ़ी ठीक थी, लेकिन जैसा मैंने वीडियो में बताया कि पुलिस मैंने देखी नहीं ट्रेन के अंदर. बस एक बार गुजरात के अंदर पुलिस आई थी वगैरह देखने, तनिक क्या करने आए थे. उसके बाद से लेके ना सुबह ना शाम कोई पुलिस नहीं थी. यूजुअली स्लीपर क्लासेस और जो एसी कोच होते हैं उनके अंदर पुलिस होती है, इधर पता नहीं क्यों नहीं थी. ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट है कि आप मुंबई में कहाँ रह सकते हैं. देखिए भाई, मुंबई में जो होटल हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, आप सर्च करके देख लेना. अगर ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन अगर आप बजट में रहना चाहते हैं तो ये कुछ कैप्सूल टाइप के होटल होते हैं, जैसे उसमें आपको एक ही रूम मिलता है ऐसा छोटा सा.
जिसमें आपका टॉयलेट और आपका बाथरूम शेयर्ड होता है, मतलब एक जगह पे बनाया होता है, लेकिन साफ़ सुथरा होता है। आप ये नहीं कह सकते कि गंदगी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, यहाँ पे लोग रहते हैं अवेलेबल। अगर आप के सामने गंदा है तो आप साफ भी करवा सकते हैं, नहीं तो ये आई थिंक हर 30 मिनट्स और एक घंटे में साफ़ करते रहते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं ब्लॉग बनाऊँगा ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके और मेरा एक्सपीरियंस अभी तक क्या है इस क्यूबिकल में रहने का, और कितना चीप है कितना नहीं है, उसके बारे में अगले ब्लॉग में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम हैं यहाँ पर, खाना खाने को जाएंगे, डोसा वगैरह देखते हैं क्या मिलता है खाने को, और खाने के ऊपर ही बता सकता हूँ कि बनाऊँगा मैं ब्लॉग, आप क्या खा सकते हो क्या नहीं खा सकते हो। वड़ा पाव तो डेफिनेटली आपको खाना चाहिए, मैंने भी खाया, बहुत बढ़िया था। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखें और ये देखें अभी आप हमारे बीच का नज़ारा, और हम आपसे मिलेंगे अगली बार। टाटा, बाय बाय।